हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, 8 इंडियन सेलेब्स हु आर स्टक इन वन जोन। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और दूसरे दो चैनल्स लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। ये वो उसके लिए कर रहे हो ना, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन। क्या नाम था उसका? हमारे शक्तिमान की बात। शक्तिमान, उसके पास कभी आज तक गन नहीं आए, मशीन गन नहीं है। वो करता तो रेस निकलती आग से, कटा आग से ठीक करता है। सुपरमैन का बनाया है उसको, सब कुछ आता है। 100 मील दूर देख सकता है, क्योंकि वो योगी पुरुष है। That is what Shaktiman is from Pandit Gangadhar. जब भी मैं कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देख रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि शायद वो एक डिल्यूजन में जी रहे हैं। एंड दैट जस्ट अमेजेस मी। दिस मेक्स मी थिंक कि ह्यूमन ब्रेन किस तरह की चीजें इमेजिन करवा सकता है। कुछ सेलिब्रिटीज तो ऐसे हैं जो अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकते, दे आर टू रिजिड, इसीलिए वो एक ही पुराने जोन में स्टक हैं। और कुछ सेलिब्रिटीज शायद ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस में ही इतना गिर जाते हैं दैट दे डोंट नो व्हाट टू डू, सो दे आर आल्सो स्टक इन अ जोन। एंड दे आर थर्ड काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज हु जस्ट वांट टू लिक फीट। माई नेम इज विशाल, और इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज हु आर स्टक इन मूवी की नहीं थी हम करेंगे इस वीडियो में थोड़ा क्रिएटिव वो तो बनाता है मूवी शायद वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश खन्ना की। तो स्टक है शक्तिमान में। कौन बोल रहे हो? जब उन्होंने शक्तिमान का रोल प्ले किया था तो डेफिनेटली ही वाज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड, बट अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और वो शायद अब किसी कैरेक्टर में है। सी वी ऑल लव शक्तिमान, दैट लव इज नेवर एंडिंग। नहीं, पर पॉपुलर बहुत था, मुझे याद है। लगता है कि वो शक्तिमान को खत्म करके ही छोड़ेंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग मेथड एक्टिंग की थी कि इसके बाद वो अपने कैरेक्टर से कभी निकल ही नहीं पाए। देखो, मैं ये जरूर मानता हूँ कि लोग सक्सेस के बाद एरोगेंट हो जाते हैं, ये बेसिक ह्यूमन ट्रेट है, बट उस एरोगेंसी की भी ना एक एज होती है। मुकेश खन्ना की जो एरोगेंसी है वो अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी। उनकी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज एक्चुअली द रियल होमलैंडर। आई एम नॉट जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ यू, आई एम स्ट्रॉन्गर, आई एम स्मार्टर, आई एम बेटर, आई एम बेटर। Now let's talk about Sanjay Dutt. Sanjay Dutt को जब भी आप किसी भी फिल्म में देखते हो, तो what he's doing, he's usually playing the bad guy, the villain. और हम भी उनसे यही expect करने लग गए हैं कि वो ऐसे ही roles करेंगे. No doubt वो villains के character में suit करते हैं. He seems to be the perfect villain who can be cast in any universe. चाहे वो KGF का यूनिवर्स हो, या लियो का, या फिर इवन AP दिलो का कोई हिप हॉप सॉन्ग। उनकी जो इमेज है वो एक गैंगस्टर की है, एक विलन की है, एंड आई थिंक एवरीवन हैज एक्सेप्टेड इट। मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। नाउ द नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो जोन छोड़ने को तैयार ही नहीं है, वो है हिमेश रेशमिया। हिमेश का आपका सरूर का फेस इतना सक्सेसफुल था कि शायद उस टाइम पे टोपियो का बिजनेस ही बढ़ गया होगा। सीरियसली, हिमेश का वो लुक, उनका टेढ़ा माइक, उनकी वो फेमस नाक और वो उनकी रोती हुई आंखें, तुझे भूल जाना जाना। सीरियसली, सेंसेशन। अब प्रेजेंटली जब आप उनको देखते हो तो ही टोटली लुक्स डिफरेंट, दैट्स डेफिनेटली थैंक्स टू साइंस। बट अभी भी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो एज एन एक्टर अभी तक फिल्म्स में ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वॉइस के सब फैंस हैं, आई एग्री, बट उनकी एक्टिंग के नहीं। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता है। व्हाट डिड यू से? रवि कुमार लंगोट का बहुत पक्का है, वो बिस्तर पर नींद के अलावा कुछ नहीं। ये थोड़ा थोड़ा उस सुनील शेट्टी की तरह बोलने की कोशिश कर रहा है वही, और लुक्स भी वैसी बनाई हुई है। And that's why he's a part of a meme culture. और जब हिमेश तक ये चीजें पहुंचती होंगी, whatever his PR is telling him, I think he's getting some validation as an actor. ये तो ऑडियंस के लिए और उनके लिए विन-विन सिचुएशन हो गई, बहुत ही सही। I hate negativity, and you are very negative. Now the next person is in a zone जिसको कोई समझ नहीं पाएगा। अच्छा, ये वही रामगोपाल वर्मा। Just like how David Fincher made the curious case of Benjamin Button, there should be a study done on the curious case of Ram Gopal Varma. 90s में उन्होंने आगे सिनेमा चेंज कर दिया था। उनकी फिल्म्स की सक्सेस मिड 2000s तक चली थी।
He is definitely one of the strongest directors of that era. Satya, company, sarkar. मुझे तो लग रहा है करैक्टर में प्रॉब्लम है. कुछ सुना था मैंने. But now he has totally forgotten that zone. जबरदस्त मूवी तो नहीं है. उनकी फिल्मों की जगह उनकी पार्टी की वीडियोस वायरल हो रही हैं. Where he's doing these weird kind of things. उनकी जो भी रीसेंट फिल्म्स हैं, एक तो वो रिलीज नहीं हुई हैं, या फिर जब भी वो रिलीज होती हैं, तो उनको बहुत पुअर रेटिंग्स मिलती हैं। राम गोपाल वर्मा हैज टोटली गॉन इन द जोन, जो मेरी इमेजिनेशन से तो बहुत दूर है। बट आई रियली होप दैट ही मेक्स अ कमबैक। किसके साथ कर रहा था? Now let's move on to Kangana Ranaut. I think Kangana being so blunt in her interviews is great entertainment. But dusri taraf Kangana ki film hai totally disappointing. Wo to aayi nahi iski wo. Jo bhi unki films hain wo bahut mid rahi hain ya fir bahut low average rahi hain. Aur jab unki films flop ho jati hain, she even tries to politicize it. Unko aisa lagta hai ki unki films ka flop hona kisi ka koi secret agenda hai, isliye flop ho rahe hain. I get it that she's a politician now, so she knows politics too well. But kahin na I really miss Kangana as an actress. Unki in sabhi cheezon ko dekh ke lagta hai that she's stuck in a zone that has definitely affected her acting करियर। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस कंगना पहले दिया करती थी, अब वो चीज तो उनकी फिल्म में बिल्कुल मिसिंग लगती है। मेरा हाल फेस उसको थोड़ा चेंज किया है। गुप्ता अंकल के जैसा हो गया। गुप्ता अंकल का ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी लेते। अब थोड़ा कूदते लटकते हुए टाइगर श्रॉफ की बात करते हैं। देखो टाइगर को फिल्म्स करते हुए 10 इयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, पर उनका करियर अभी तक हीरो बनती और बागी से आगे बढ़ा ही नहीं है। अभी तक वो उसी इमेज को मेंटेन कर रहे हैं। एंड आई नो पीपल हैव गिवन अप। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। मैं हीरोपंती 2 भी देखने गया था, मैं गणपत भी देखने गया था, और जिस तरह से मैंने उस क्लॉस्ट्रोफोबिक थिएटर में अकेले बैठ के वो टाइम बिताया ना, याद आ गई। रहने दो, छोड़ो। Honestly, एक बात कहूँ तो उनकी फिल्में बहुत खराब हैं। टाइगर की बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि चाहे उनकी फिल्म्स डिफरेंट हो, बट वो हर फिल्म में सेम फील होते हैं। उनका कैरेक्टर को आप कॉपी पेस्ट कर दो दूसरी फिल्म में तो ही इज द सेम। वही डम बनते हुए एक्शन सीन्स करना, इधर उधर कूद के वही अन एंटरटेनिंग सिचुएशंस को एलिवेट करने की कोशिश करना। सीरियसली ऑडियंस भी कहती होगी बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अभी रिसेंटली बागी 4 भी अनाउंस कर दी गई है, एंड इट्स ऑब्वियस ये क्यों किया गया है, बिकॉज़ टाइगर रियली नीड्स अ सक्सेसफुल फिल्म। मुझे तो जैकी लग रहा है, ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, ही लुक्स डिफरेंट, बट अगर जैकी लुक लग रही है, देखो वही बुचर नाइफ, शराब, एंड दैट लुक ऑफ अ मर्सीलेस किलर। एनिमल का टेम्पलेट है, सब एनिमल की तरह बनाओ सब के सब, थोड़ी देर के लिए तो हाइजैक और कचरा। बट एनीवे इंस्पिरेशन लेके ही सही, बट टाइगर डेफिनेटली नीड्स टू गेट आउट ऑफ हिज यूजुअल जोन। ओहो हीरोपंती करेगा। क्या करूं यार, एक्टिंग आती नहीं और ऑडियंस पिक्चर देखने जाती नहीं। Now let's talk about अक्षय कुमार। अक्षय जैसे एक्टर्स नहीं मिलेंगे जो आज भी हर साल 3-4 फिल्म्स कर लेते हैं विदाउट इवन एडिंग एनीथिंग न्यू टू देम। देखो मुझे तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, हॉलीवुड में ब्रूस विलिस और विन डीजल ने भी अपने करियर में एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स ही प्ले किए हैं, बट वो साल में 3 फिल्में नहीं करते थे। अक्षय अभी भी उसी जोन में स्टक है जहां वो मानते हैं कि 3 फिल्म्स करूंगा मैं एक साल में और तीनों वर्क करेंगी। पेंडेमिक से पहले उनकी तीनों फिल्म साल में वर्क करती थी, मैं मानता हूँ, एंड दोस फिल्म्स आर हाईली एंटरटेनिंग, बट अब ना उनकी फिल्में अच्छी मूवी बनाएगा तो चलेगी, बकवास बनाएगा तो क्या चलेगी। इधर ही हूँ, काम करते रहूंगा, हमेशा काम करते रहूंगा, चाहे लोग कुछ भी बोले। सुबह उठना है, कसरत करनी है, काम पे जाना है, वापस आना है, जो भी कमाता हूँ अपने दम पे कमाता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोविंदा। मेरे ओपिनियन में गोविंदा एक कॉमेडी के लेजेंड है। उनका स्टाइल टोटली ओरिजिनल था एंड उन्होंने ऑडियंस को कितना हंसाया है, बट दैट इज ऑल इन द पास्ट। गोविंदा ने पिछले 5 सालों में अभी तक कोई फिल्म नहीं की है, एंड दिस इज मेक्स मी सैड। ओल्ड तो पिछले भी आ ही रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोविंदा को फिल्म्स तो ऑफर होती थी, बट ही नेवर वांटेड टू प्ले द सेकंड लीड। वो मेन रोल ही करना चाहते थे, इस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। डेविड ने चिचिंग अच्छी देखो या हीरोज़म एक अमुक टाइम तक ना हीरो रहना चाहिए मेरे हिसाब से। 100% आप 90s के टॉप स्टार हो, अभी आप 90s के दुनिया में आज भी रहोगे, दैट्स नॉट गुड। क्यों यार उसकी वाइब भी ऐसी के साथ चलना चाहिए, वो मैं सोचती हूँ। मेरा अब गोविंदा का सोचना क्या है आई डोंट नो।
राजन डीके की फिल्म हैप्पी एंडिंग में उनका जिस तरह मुझे तो पसंद ही नहीं था, कितना बढ़िया था कम बैक और कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स वो प्ले करे पर हिट होती थी। मेरे बाकी कजन्स को बड़े अच्छे लगते थे। सनसेट होने दे, बारिश होती है तो होने पर एक्टिंग अच्छी करता था। बढ़ने दे, 300 रुपए में लोगों को जीना मत सिखा। ऑल राइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे वो सेलिब्रिटीज जो एक ही जोन में स्टक हैं। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि और ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो आपको लगता है एक ही जोन में फंसे हुए हैं और कुछ उसके बियॉन्ड कर ही नहीं रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा इफ यू कनेक्ट विद माय ओपिनियन, यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स एट विशाल इन सिनेमा। इंटरेस्टिंग था कि कौन कौन अटके पड़े हैं। नहीं, सारे मोस्टली सारे सभी उसी रोल्स में अटके हुए हैं। तो सलमान खान का कोई आपको नया रोल नजर आ रहा है? वही करता रहता है। शाहरुख खान का नया आ रहा है? बेसिकली ऑल स्टक इन द सेम थिंग। उनको अपनी हीरो गिरी से आगे जाना ही नहीं है। सलमान शाहरुख खान का तो ये है कि वो तो रोमांटिक करता था, अब वो रोमांटिक कर छोड़ के अब एक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि एज हो गई है, अब रोमांस तो हो नहीं सकता इस उम्र में। रोमांस को यंगस्टर तो रहा नहीं हूँ कि मैं रोमांस किससे करूंगा, अपनी बेटी की एज की लड़कियों से। और हर साल मूवीज भी नहीं आ रही इन लोगों की। पता नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें पता भी ये चल नहीं रहे ना, तो अब इन्होंने ये चाल चली है कि एक दूसरे की मूवियों में कैमियो रोल्स कर करके आ जाएं ताकि एक दूसरे को प्रमोट करें। जो शक्तिमान वाला बंदा उसको तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती होगी लाइफ में, उसने ली नहीं, आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं, एक्टिंग तो भीष्म में मैं को शक्तिमान मैंने पहले भी शेयर किया था, शक्तिमान तो मेरे लिए कोई इतना नहीं था क्योंकि हमने मैंने तो देखा ही नहीं है। हाँ, ग्राफिक्स बहुत लो लेवल के थे उसके अंदर, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है, पर क्रेज बहुत था बच्चों में, ये सुनने को जरूर मिलता था। पर जो भीष्म पितामह की थी वो तो वॉज बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी, बहुत ही अच्छा रोल। उसके बाद ही नोज हाउ टू एक्ट, उसको और He should have taken our roles. पर unfortunate मिले नहीं होगी right. मेरे को लगता है opportunity नहीं मिली, नहीं मिले होंगे। अमिताभ बच्चन things the same, he would not got so many roles. इतने सारे roles जो अमिताभ बच्चन को मिले इसलिए मिले हैं कि okay supporting role हो कहीं पर भी हो, that's okay. नहीं, और साथ में famous होने के बाद humble रहना चाहिए। अकड़ वक्कड़ और लोगों से पोलाइटली बात करना भूलना नहीं चाहिए। इसमें मैंने दो को देखा है, एक तो ये मुकेश ही नाम है शायद, और दूसरा ये अक्षय कुमार, कि कितना अकड़ वो आ गई है। इस तरह से बोलने का मतलब नहीं बनता। मेंटेन योर थैंकफुलनेस टुवर्ड्स द ऑडियंस जिन्होंने तुमको ये बनाया था, उनके बिना नहीं हो सकता। ये बोलना कि सब कुछ मैं खुद ही कमाता हूँ, द क्वेश्चन इज हर इंसान खुद ही कमाता है। तो तुमको क्या लगता है? राइट, अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है खुद ही कमा रहा है, सो दैट इज नॉट द थिंग। अगर तुम्हारा कमाना बोला है तो यू तुम्हारा कमाना लोगों की ऑडियंस के वजह से हो रहा है। ऑडियंस देखना बंद कर देगी तुम सड़क पे आ जाओगे। जो दूसरे बल्कि मेहनत करते हैं, जैसे कोई काम कर रहा है, मजदूर है या डॉक्टर है, वो जो है मजदूर वो लोगों के लिए, वो लोगों की वजह से, मतलब कोई देख नहीं रहा होता, वो अपनी मेहनत से कर रहे होते हैं, दैट इज द डिफरेंस। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।